नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में हमीरपुर के गांधी चौक पर सीटू पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सीटू के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नागरिकता बिल को लागू न करने की मांग की। धरना में सीटू के नेता जोगिंदर कुमार, अनिल मनकोटिया, विवेक कुमार मौजूद रहे। नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में हमीरपुर के गांधी चौक पर सीटू पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सीटू के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नागरिकता बिल को लागू न करने की मांग की। शिक्षा व रोजगार का प्रबंध करो, देश को धर्म पे बांटना बंद करो। धरने में सीटू के नेता जोगिंदर कुमार, अनिल मनकोटिया, विवेक कुमार भी मौजूद रहे। अनिल मनकोटिया ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिकता बिल के पीछे पड़ी है, लेकिन देश में महंगाई और बेरोजगारी को अनदेखा किया जा रहा है। इस तरीके से अगर एनआरसी पूरे देश के अंदर अगर लागू होती है तो उसमें एक आज देश के अंदर ऐसा दौर है जहां पर जीडीपी हमारी नीचे जा रही है, बेरोजगारी जो है पिछले 50 साल में सबसे ज़्यादा है, और ऐसे दौर के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ये नहीं समझती है कि इस बिल को लाने की जरूरत थी। बिल रोजगार को लेकर, रोजगार सुनिश्चित करने को लेकर आने चाहिए। शिक्षा जो है, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसको मजबूत करने को लेकर ऐसे बिल आने चाहिए। लेकिन आज के इस दौर के अंदर ये बिल्कुल सोची समझी साजिश जो है मोदी सरकार की है, और जो उनका एजेंडा भी रहता है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम का जो सांप्रदायिक तनाव पैदा करने से जो है शायद उनको लगता है कि उनको फ़ायदा होता है। और जो इस बिल के अंदर जो अभी जो बना है, इसके अंदर सीधे तौर पर हम देखते हैं कि सर्टेन जो रिलीजियस, जो उन्होंने रिलीजन्स को जो उसमें मेंशन किया है, और अगर माइनॉरिटीज़ की इतनी ही चिंता है तो इस देश के अंदर जो सर्टेन रिलीजन का जो उन्होंने जो शब्द उन्होंने जोड़ा है तो उसमें सारे रिलीजन उसमें ऐड होने चाहिए थे। और हमें समझते हैं कि पूरे, अगर मान लो जितने भी 3-4 करोड़ के करीब जो शरणार्थी या माइनॉरिटीज़ हमारे पड़ोसी देशों के अंदर, अफगानिस्तान का, बांग्लादेश, पाकिस्तान के अंदर अगर माइनॉरिटीज़ यहाँ आने की कोशिश करेंगे तो पहले ही जो यहाँ पर मौजूद हमारे नौजवान हैं उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, उनको ठहराना भी है, उनको ज़मीन भी देनी है, उनको खाने पीने का प्रबंध भी करना है, और दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर आर्थिक मंदी का दौर है। तो ऐसे दौर में हम नहीं समझते कि इस बिल को लाने की ज़रूरत थी, और ये इसलिए बिल लाया गया है क्योंकि सारी जितनी भी जो सरकार की नाकामियाँ हैं, जो आर्थिक मंदी हमारे देश के अंदर छाई है, जीडीपी लगातार नीचे जा रही है, इन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने को लेकर जो है इस तरीके का बिल लाया गया। और आप देखते हैं पहले इस तरीके की कोशिश जो है नोटबंदी। वही जोगिंदर कुमार ने कहा कि रोजी रोटी के मसले से ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार ऐसा करने में लगी है। उन्होंने कहा कि सीटू आगे भी आंदोलन करके इसका विरोध करती रहेगी। जो रोजी रोटी का मसला है, जो लोगों का प्राथमिकता का मसला है, उनसे ध्यान भटकाने के लिए सरकार इस तरीके के सांप्रदायिक जहर जो है हमारे देश के अंदर घोलने का काम कर रही है। आज आप देख रहे हैं प्याज 150 रुपये किलो हो गया है, रोजगार कहीं नहीं है। जो सरकार जिन वादों के साथ सत्ता के अंदर आई थी कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हम 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का के लिए काम करेंगे, हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, आप देख लीजिए इन मुद्दों पे बात करना आज मुनासिब नहीं समझती है सरकार। और इन्हीं मसलों से भटकाने के लिए सरकार इस तरीके का नागरिकता संशोधन बिल और NRC जैसे बिल जो है ला रही है। इससे जो है देश का जो संविधान है उसकी अवहेलना इसमें हो रही है, और जो देश का संविधान देश के नागरिकों को समानता का अधिकार देता है, सबको अपने धर्मों को मानने का अधिकार देता है, इस धर्म के नाम पर बांटना जो है, ये सरकार जो इस काम को करने में लगी है, ये देश के संविधान के खिलाफ है और देश की अखंडता के खिलाफ है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी इस तरीके के जहर को बर्दाश्त नहीं करेगी, और ये आंदोलन आने वाले समय के अंदर और भी तेज किया जाएगा। जो सबसे मूल प्रश्न है कि ये शरणार्थी कौन होते हैं, अभी आसाम का उदाहरण है, वहाँ पे सरकार ने 1600 करोड़ रुपया खर्च करके इस NRC का काम उन्होंने किया है। वहाँ पे आया है कि 19 लाख शरणार्थी निकले हैं, उसमें से 14 लाख के करीब जो है वो हिंदू हैं, 10 लाख से ज़्यादा महिलाएं हैं, और वे कौन लोग हैं, वो लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए पेट की आग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर कर देती है। वहाँ पे लोग अपने घर आशियाने वहाँ पे बनाते, वहाँ पे बस जाते हैं, उन लोगों के पास जो है तीसरी पीढ़ी तक का रिकॉर्ड नहीं होता है, और उन लोगों को जो है अब शरणार्थी कैंपों के अंदर धकेलने का सरकार प्रयास कर रही है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है, इस तरीके का कानून अमेरिका के अंदर भी है, जो नागरिकता संशोधन बिल भारत के अंदर पेश किया गया है, वहाँ पे जो शरणार्थी है उनको डिटेंशन कैंपों के अंदर रखा जाता है,
और जो शरणार्थी हैं उनको ठेका देकर एक ठेकेदार उनसे जबरदस्ती काम लिया जाता है, इस तरीके का कानून हमारे देश के अंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश की एकता और अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा है और CPM जो है इसके खिलाफ डट के मुकाबला करेगी और इस कानून को जो है वापस करने के लिए सरकार को मजबूर करेगी।